इसमें हम देखेंगे कि अभी मैं पढ़ रहा था ऑप्थेल, तो उसमें एक गेम अक्रॉस की मायोपिया में चाइल्ड हैज़ टू स्क्वीज हिज आईज टू सी थिंग्स क्लियर। सो स्क्वीज हिज आईज कैसे होता है और उससे चीज़ें कैसे क्लियर दिखने लगती हैं, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा मायोपिया में, जैसे ये आई बॉल है, ठीक है, मायोपिया में रेज आती हैं और ये रेटिना के पहले यहीं पे कन्वर्ज हो जाती हैं, जिसके कारण हमें क्लियरली नहीं दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये जो इसका आई का जो कॉर्निया और लेंस है, जो इसके मेजर रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज हैं, इसमें तुम्हारा रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है और उसके चलते रेज पहले कन्वर्ज कर जा रही हैं। ठीक है, अब हमारा बेसिकली एम क्या रहता है मायोपिया में इसको ठीक करने का, हमने जहाँ जहाँ भी पढ़ा होगा कि हम लेंस या कॉर्निया को थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि उनका कर्वेचर बढ़ जाएगा। बढ़ने पे हमें पता है कि 1 mm अगर कर्वेचर बढ़ जाता है तो 6 dB तक रिड्यूस हो सकता है, 6 dB तक। ठीक है, तो हम उसका कर्वेचर, हमारा बेसिक एम होता है कि कर्वेचर उसका बढ़े, कि लाइट थोड़ा और पीछे जाके यहाँ रेटिना पे ही मिले, जिससे हमें इमेज क्लियरली दिखाई दे। अब क्वेश्चन आता है कि पेशेंट अपना आई को स्क्वीज़ कर रहा है, ठीक है, अब स्क्वीज़ करने से उसको मायोपिया में कैसे हेल्प मिलता है, ये देखिए। देखिए ये आई है, ठीक है, पेशेंट ने आई को, हम नॉर्मली जैसे हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, दूर की चीज़ें, जैसे मैं कोई दूर की चीज़ देख रहा हूँ तो हमें नहीं दिखती, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, ये हम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम आई को अंदर पुश करते हैं। अब मान लीजिए ये आई है, मेरा हाथ आया, इसको अंदर पुश किया, तो इससे क्या होगा, जो ये लेंस और कॉर्निया होगा ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट हो जाएगा तो क्या होगा, कर्वेचर इसका बढ़ गया, ठीक है, जिसके कारण फिर रेज जाके आपके रेटिना पे मिलेंगी, ठीक है, और आप फिर क्लियरली देख सकते हो थोड़ी देर के लिए, जब तक ये इफेक्ट रहेगा। तो स्क्वीजिंग इफेक्ट का यही फ़ायदा होता है मायोपिया में, लेकिन बच्चों में हमें कोशिश करना चाहिए कि मायोपिया जितना जल्दी हो सके उतना हम ठीक कर दें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बच्चे जैसे बाहर खेलते हैं, अब उन्हें बाहर की चीज़ें नहीं दिखेंगी तो वो प्रेफर करेंगे कि घर पे ही रहें। ठीक है, घर पे ही रहें, बुक्स पढ़ें, अच्छी बात है बुक्स पढ़ना, बट दे विल बिकम इंट्रोवर्ट। ठीक है, इसीलिए इसका जल्दी से जल्दी करेक्शन बहुत वॉरंटेड रहता है। थैंक यू, अगला कोई टॉपिक आएगा तो फिर मिलते हैं अपन।